1 + j ओमेगा + 2 × j ओमेगा + 4 ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड इट्स ओमेगा जी सी। ओमेगा जी सी क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें मैग्नीट्यूड कितना होता है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी का। दूसरा ओमेगा पी सी, ये क्या होती थी बताओ, वो फ्रीक्वेंसी जिसमें एंगल जो होता है वो क्या होता है, -180, ओमेगा पी सी। फिर आपको बताना है गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ठीक है। अभी तो मतलब आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है, बट इनको निकालते कैसे वो मैंने बताया, ठीक है, निकाल लीजिए, बताइए जल्दी करें, जल्दी करें, बस जल्दी। तो आप बताइए कि क्या रियल पार्ट क्या आएगा, इसको कैसे निकालो, इसको रियलाइज कर दो, बताओ क्या बनेगा, माइनस टू आएगा, नहीं इसको कैसे लिख सकते हो, -2 ओमेगा, ओमेगा कट जाएगा, रियल पार्ट में ओमेगा नहीं आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 × ओमेगा स्क्वायर प्लस 16 का रूट, है ना। आई थिंक ये रियल पार्ट है, चेक करके देख लो, ये आ रहा है रियल पार्ट, इसको जब रियलाइज करोगे तो आई थिंक देखो ना कैसे करते हैं, जे को ऊपर ले जाओ, माइनस जे by omega into, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 − j ओमेगा से, तो नीचे बन जाएगा 4 + ओमेगा स्क्वायर। अब इसका j ओमेगा + 4, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 − j ओमेगा, और नीचे आएगा 16 + ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल दो, तो रियल पार्ट ये बनेगा मेरे ख्याल से, और इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा बताओ जरा, √j आएगा। रियल पार्ट ओमेगा इक्वल टू जीरो पे माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन अपॉन थर्टी टू, ये रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कितना है बताओ जरा, ओमेगा इक्वल टू जीरो रख के देखो, ओमेगा इक्वल टू जीरो रखोगे तो ऊपर तो -8 आएगा और डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो -8/0 क्या आएगा, -∞ -j∞, तो इमेजिनरी पार्ट -∞ है नीचे की तरफ, इसका तो पॉइंट समवेयर इधर से कहीं शुरू होगा, क्योंकि रियल पार्ट इतना भी तो होना चाहिए ना, इधर से कहीं समवेयर शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा बताओ, कितने एंगल पे खत्म होगा, ओमेगा इक्वल टू इनफिनिटी पे, क्या एंगल क्या होगा, इसका एंगल भी देखो ना, एंगल आएगा इसका जे की वजह से एंगल आ जाएगा -90 माइनस, इसकी वजह से एंगल आएगा -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा / 2 और -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा / 4, ये आएगा, ठीक है। रियल पार्ट के न्यूमरेटर में 6 आएगा, यस सर -6 है -3/32 आएगा, गलती ना करें कैलकुलेशन, ठीक है। हां जी, अब जरा देखिए, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल -90 है, वर्टिकल एक्सिस है, और ओमेगा इक्वल टू इनफिनिटी पे एंगल कितना आएगा, -270, मतलब ये वाली एक्सिस आएगी, -90 -180 -270, तो जरा देखिए कैसे मर्ज करेगा, और ओमेगा इक्वल टू इनफिनिटी पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी 0 होगी, ओमेगा इनफिनिटी पे चेक कर लो ना, मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ओरिजिन में मर्ज कर जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बनेगा, अब सुनिए, अब हमें क्या बताना है, एक तो ये फ्रीक्वेंसी बतानी है, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा पी सी,
फेज क्रॉस ओवर, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे जो फेज है वो कितना हो गया माइनस 180, क्योंकि इस लाइन पे आ गया ना पॉइंट, इस लाइन का मतलब क्या होता है एंगल कितना है माइनस 180, इस लाइन पे आ गया पॉइंट। तो बताइए ओमेगा पीसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा पीसी निकालो क्या आएगा रूट एट, ओमेगा पीसी रूट एट क्या कैसे निकाला भाई बताओ, एंगल को जीरो कर दो। अब एंगल को जीरो करोगे तो टेन इनवर्स, देखो कुछ लोगों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, जरा देखो अगर एंगल को जीरो करूंगा तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा टेन इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई टू माइनस 180 करना भी लेकिन आप यही करो ना भाई, इस एक्सिस पे इमेजनरी पार्ट तो जीरो है, तो आप एक काम करो जो भी हमने रियलाइज किया है उसमें जो इमेजनरी पार्ट है उसको क्या कर दो जीरो कर दो, जीरो करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट एट, समझ आया, इसको जीरो करने से ओमेगा इक्वल रूट एट नहीं आ जाएगी, तो ओमेगा इक्वल टू रूट एट, ओमेगा पीसी इज रूट एट। अब निकालिए ओमेगा जी सी, ओमेगा जी सी के लिए यूनिट सर्कल लगा दो, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे ओमेगा जी सी, ये ओमेगा जी सी वाला पॉइंट है। तो अब आप बताइए ओमेगा जी सी की वैल्यू क्या आएगी, 0.122 कैसे निकाला था आपने, इसका मैग्नीट्यूड जो था इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1/ ओमेगा * रूट ऑफ, बताओ कितना आया रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 * ओमेगा स्क्वायर प्लस 16, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालो, ठीक है, बताओ ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है 0.122 रेडियन, जो भी अभी देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है 0.122 रेडियन, ये मेरा आ गया ओमेगा जी सी गेन क्रॉसओवर जहां पे मैग्नीट्यूड 1 है। अब एक काम कीजिए मुझे दो चीज और निकालिए, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, आप मुझे बताओ ये लेंथ क्या है ए 1/40, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है वो ए होती है, आप ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकाले, जो मैग्नीट्यूड है उसमें ओमेगा की वैल्यू पता चल गया आपको, मैग्नीट्यूड आपका ये आया, अपने को इस ओमेगा पे मैग्नीट्यूड चाहिए ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो ये ओमेगा इसमें पुट कर दो मैग्नीट्यूड वाले में, तो आपको क्या आ जाएगा ये लेंथ आ जाएगी। अब गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे बताओ, 20 लोग ले लो 1/8 ये आ जाएगा अपना गेन मार्जिन, ठीक है 20 लोग 1/8 करोगे तो गेन मार्जिन। अब निकालते हैं फेज मार्जिन, तो जरा देखो यहां पे इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा जीसी पे आप एंगल निकाल दो, इस एक्सिस से कितना एंगल है ये वाला एंगल निकाल दो, ठीक है कैसे निकालोगे एंगल वाले में फॉर्मूले पुट कर दो, जो फेज वाला एंगल है उसमें ओमेगा की जगह पे क्या रखो ओमेगा जी सी, यहां से ये वाला फेज आ जाएगा। अब ये कितना छोटा है इधर वाले फेज से, इसमें 180 प्लस कर दो, ठीक है अपने आप आ जाएगा फेज मार्जिन, तो फेज मार्जिन आप देखो कितना आया फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कितना आया, ठीक है भाई है जी 84.76 तो क्या है फेज डिग्री बोलिए आप, ठीक है और ये कितना है 33.62 dB। कल वाले कंसेप्ट अगर आपने रिवाइज किए तो वही चीज मैंने यूज की है। नेक्स्ट वाला देख, अगर मैं आपसे ये बोलूं 1/ में जे ओमेगा स्क्वायर इनटू जे ओमेगा प्लस 3 इनटू जे ओमेगा प्लस 1, मुझे इसका पोलर प्लॉट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पोलर प्लॉट, इसका पोलर प्लॉट कैसे बनाएंगे जरा देखें, देखें भी इसका पोलर प्लॉट बना, आप सुनिए मुझे एक बात आओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है और एंगल कितना है, मैग्नीट्यूड नहीं एंगल चाहिए सबसे पहले, तो एंगल कैसे निकालोगे बताओ, इसका एंगल कितना आएगा इसका -5, हां जब देखो इसको कैसे लिख लो 1/j ओमेगा * j ओमेगा
इंटू जे ओमेगा प्लस थ्री इंटू जे ओमेगा प्लस फोर। सच है? अब सुनो, ये बार जे ओमेगा 90 एंगल देगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा इज पॉजिटिव, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसके साथ अगर प्लस से आ जाता है तो कौन सी इमेजिनरी एक्सिस पे, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है इधर, और इधर से एंगल कितना होता है बताओ जरा? 90। इसका भी इसका एंगल 90, इसका भी 90, और दोनों मल्टीप्लाई हो रखे कितना हो गया 180 एंगल हो गया। लेकिन यही एंगल ऊपर आके क्या आएगा तो इसका हिसाब किताब कर दिया, इसकी वजह से माइनस पाई आ रहा है। ठीक है जी, अब इसका एंगल क्या आएगा? ओमेगा भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई सोच रहा ही नहीं, टेन इनवर्स ओमेगा बाई 3। लेकिन ये डिनोमिनेटर में ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 3। अब तीसरा देखिए, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 1। समझ आया? ये मेरा इसका फेज आ गया, पूरे का फेज आ गया। ये समझ आया अभी? ये आ गया फेज। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट, जरा देखिए ये आ गया फेज। अब आगे कैसे करें? मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, ये तो एंगल है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। माना कौन क्या था? जे ओमेगा का स्क्वायर था, जे ओमेगा प्लस 3, और क्या था? 1। अब एक काम करते हैं, या तो इसका रियल और इमेजिनरी निकाल लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वहां से मैग्नीट्यूड निकालो। चलो पहले मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। माना कौन? देखो ओमेगा स्क्वायर, आप बोलोगे सर माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, मैग्नीट्यूड में माइनस हट जाएगा, ठीक है, और रूट के अंदर क्या आएगा बताओ जरा? रूट के अंदर क्या आएगा? इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा और ये इसका एंगल आएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये फेज है। दिस इज फेज, दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, तो ये है सेंटर से डिस्टेंस और ये है एंगल। ये आपका एंगल है और ये सेंटर ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब जरा देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब प्लॉट करना है, बट प्लॉट करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड और फेज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड अपने को ये नहीं बताता कि शुरुआत किधर से होती है, रियल पार्ट कितना इमेज नहीं। मैग्नीट्यूड सिर्फ ये बताएगा ओमेगा 0 टू इनफाइनाइट लेंथ, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो इधर भी है, इनफाइनाइट इधर भी है, इनफाइनाइट इधर भी है, इनफाइनाइट इधर भी है, ले जाते। अपने को ये नहीं पता चलेगा कि रियल में कितना इधर है, इमेजिनरी में कितना इधर है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए। समझ आया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। तो इसको रियलाइज कर दो। कैसे रियलाइज करेंगे? नीचे वाला तो इम्प्राइम है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे वाला तो इम्प्राइम लिख लो और इनको रियलाइज कर दो, क्योंकि इसमें तो कोई जे आएगा नहीं ना। जे ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बताइए क्या बनेगा? तो ये बनेगा 3 माइनस जे ओमेगा इंटू 1 माइनस जे ओमेगा, और डिवाइड करके आएगा 3 माइनस ये बन जाएगा 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, बताओ कितना आएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल रहे हैं। कैसे निकाले? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो रियल बन गया, और इमेजिनरी क्या बनेगा बताओ जरा? माइनस फोर जे ओमेगा डिवाइड बाई क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर, ठीक है, तो बताओ क्या बनेगा? 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो रियल पार्ट हो गया, ये तो इसका रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बताओ सरा? ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा जे 4 ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या कहते हैं यही बनेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब जरा देख क्या होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए ओमेगा जब 0 होगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? रियल भी माइनस इंफिनिटी, रियल में देखो कितना है माइनस इंफिनिटी, और इमेजिनरी प्लस इंफिनिटी नहीं आएगा, हाँ प्लस इंफिनिटी, इमेजिनरी क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी। रियल माइनस इंफिनिटी और इमेजिनरी प्लस इंफिनिटी, मतलब कहां से शुरू होगा? ऊपर से, उधर से। रियल में माइनस इंफिनिटी,
और इमेजिनरी में प्लस इंफिनिटी, तो पॉइंट समवेयर उधर होगा इंफिनिटी पे, नहीं समझे? फिर रियल पार्ट भी उसका माइनस इंफिनिटी है इधर है, और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस इंफिनिटी। जैसे ए और जे भी नहीं देखते थे भाई, रियल पार्ट माइनस ए है और इमेजिनरी पार्ट प्लस जे भी है, तो पॉइंट कहां पे होता था? पॉइंट यहां पे होता था। अब इमेजिन करो रियल में माइनस इंफिनिटी है और इमेजिनरी में प्लस जे इंफिनिटी है, तो पॉइंट कहां शुरू होगा? समवेयर मिडिल से कहीं से शुरू होगा। अब मर्ज कहां पे करेगा? अच्छा एंगल कितना होगा? कितने एंगल पे स्टार्ट होगा? ओमेगा इक्वल टू जीरो पे माइनस पाई, मतलब इस एक्सिस के पैरेलल में स्टार्ट होगा, इस एक्सिस के पैरेलल में स्टार्ट होगा, ठीक है जी? इस एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस माइनस 180 पे है ना, तो इस एक्सिस के पैरेलल में स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट लेंथ होगी, ठीक है? रियल पार्ट भी इनफाइनाइट, इमेजिनरी पार्ट भी इनफाइनाइट। नेक्स्ट, तो इसका अगर मैं शुरुआत करूंगा तो कुछ इस तरह से शुरुआत करूंगा। अब मुझे ये बताओ कि ओमेगा इन्फिनिटी पे क्या आएगा? ओमेगा इन्फिनिटी पे एंगल कितना आएगा? माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू कितना, माइनस टू पाई, माइनस टू पाई तो जीरो ही हो जाएगा, इसका मतलब इस एक्सिस के पैरेलल में आएगा। और डिस्टेंस क्या आएगी? मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी? ओमेगा इन्फिनिटी में मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, देखो ना, ओमेगा इन्फिनिटी पुट कर दो इसमें जीरो, इसका मतलब ओरिजिन में मर्ज हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, क्या कहते हैं, कुछ इस तरह का आएगा, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात, क्या इसका एंगल कभी भी माइनस 180 होगा? भाई हमें तो कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? वो फ्रीक्वेंसी जिस पे एंगल क्या हो जाए? माइनस पाई। क्या कभी हो रहा है कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे एंगल माइनस पाई हो रहा हो? जीरो, केवल जीरो है। आप याद करो ना, ओमेगा, ओमेगा जी सी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती थी? गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? 180 के इक्वल होता था पाई, मतलब एंगल क्रॉसओवर, फेज क्रॉसओवर, यहां पे एंगल 180, फेज क्रॉसओवर कौन सी फ्रीक्वेंसी होती थी जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल जो होता था वो क्या हो जाए? -180। आप मुझे बताओ -180 कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? केवल 0 पे, 0 पे, केवल 0 पे। इसका मतलब 0 हर्ट्ज क्या है इसके लिए? फेज क्रॉसओवर, फेज क्रॉसओवर। अब देखो ओमेगा जीरो रखो तो ऊपर तो माइनस 3 आएगा और नीचे जीरो आएगा, तो -3/0 इज माइनस इंफिनिटी, ठीक है? और अब सुनिए भाई, तो मैंने बताया कि ओमेगा फेज क्रॉसओवर वो फ्रीक्वेंसी जिस पे फेज कितना होता है? -180। तो एंगल को -180 बता दो, एंगल माइनस पाई कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा? जीरो पे। आप खुद सोचो ना, जहां पे फेज -180 होगा वहां पे ये पॉइंट पे कट करनी चाहिए एक्सिस, इस पॉइंट पे कट करना चाहिए एक्सिस को, क्या कहीं पे इस पॉइंट पे कट कर रही है? रियल पॉइंट पे, ओमेगा की किसी पॉजिटिव वैल्यू पे, क्या इस एक्सिस को कट कर रही है कहीं पे? क्यों? क्योंकि ये एक्सिस कितने एंगल को दिखा रही है? -180 को। तो आप देख सकते हैं इस पे कहीं कट नहीं कर रही है, इसका मतलब ओमेगा की कोई वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जिसपे एंगल क्या हो जाएगा? माइनस पाई हो जाएगा, एक्सेप्ट ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा जीरो पे ऐसा हो रहा है, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने बताया कि इसका वो क्या ओमेगा पी सी, अब ओमेगा जी सी कैसे निकालो? मैग्नीट्यूड को वन रख दो या फिर आप यूनिट सर्कल लगा लो और आप देखिए जहां कहां पे कट कर रही है, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या होती है बताओ जरा, आपकी ओमेगा जी सी। अच्छा एक बात और बताओ जरा, गेन मार्जिन कितना निकाल सकते हैं? अगर ओमेगा पी सी आ गया फेज क्रॉस ओवर तो गेन मार्जिन आ जाएगा, कैसे? आप ये देखिए जहां पे ओमेगा पीसी है, ओमेगा इक्वल टू जीरो है, वहां पे ओरिजिन से लेंथ कितनी है याद है आपको? जो ओमेगा की आप याद होगा मेरी, इस तरह का ग्राफ होता था ना, तो इसको हम ए बोलते थे और ये क्या होता था? ओमेगा पीसी। तो मैंने बताया ओमेगा पीसी पॉइंट पे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो वो ए होती है। अब बताओ ओमेगा पीसी, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन से लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं 1/a और 20 log ले लो तो क्या बनेगा? ये बनेगा 20 log 0, मतलब क्या बनेगा? माइनस इनफिनिटी। जीरो की वैल्यू मैंने बताई ना आपको, log में 1 पे 0 होता है और 1 से छोटा करोगे तो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है,
जीरो में क्या होती है, लॉग जीरो में वैल्यू क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट। अब समझ रहे हो, तो इसका मतलब जो जो गेन मार्जिन आएगा वो कितना आएगा, आप कह सकते हो इनफाइनाइट। मैग्नीट्यूड में देखते हैं गेन मार्जिन ऑलवेज, ठीक है, तो कितना आएगा, बेसिकली इनफाइनाइट। समझ आया, आपका जो गेन मार्जिन है वो कितना आएगा, इनफाइनाइट। देखो ओमेगा पीसी से सिर्फ कितना निकाल सकते हो आप, कितना ओमेगा पीसी अगर आपको पता है तो आप सीधा गेन मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे बढ़ सकते हैं। चल कैसे, मतलब अगर हम इंफिनिटी गए तब ये इनफाइनाइट है ना, रियल रियल पार्ट भी इनफाइनाइट, ओमेगा जीरो पे रियल और इमेजिनरी दोनों जीरो है, दोनों इनफाइनाइट है। एसिम्प्टोट इनफाइनाइट पे आएगा, इनफाइनाइट हाइट पे आएगा, हाँ ये ऐसे जा रहा है, बट ये आगे जाके इनफाइनाइट हाइट पे जाके, क्योंकि देखो ना ओमेगा जीरो पे रियल पार्ट भी इसका इनफाइनाइट है और इमेजिनरी पार्ट भी, ठीक है, रियल पार्ट माइनस इनफाइनाइट है, इमेजिनरी पार्ट इनफाइनाइट है। इसका मतलब जो एसिम्प्टोट डालोगे, मतलब ये ऐसे घूमता घूमता चढ़ते चढ़ते कहां पे जा चुका है, ऊपर भी इनफाइनाइट हो चुका है, इधर भी इनफाइनाइट हो चुका है। इसका मतलब जो एसिम्प्टोट डालोगे वो एसिम्प्टोट मतलब टेंजेंट एट इनफिनिटी, वो इनफाइनाइट हाइट पे आएगा ना, नहीं समझे। टेंजेंट क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, पैरेलल टू दिस एक्सिस आएगा, बट वो कितनी हाइट पे आएगा, इनफाइनाइट हाइट पे। पैरेलल इसके आएगा तभी तो एंगल माइनस 180 होगा वहां पे, पैरेलल एंगल का पैरेलल लाइन का एंगल सेम नहीं होता, ठीक है, तो तभी तो आपका वो बनेगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, ठीक है भाई। तो सुनिए, तो मैंने बताया कि इसका गेन मार्जिन कितना आएगा, इनफाइनाइट। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड वन, वहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, गेन क्रॉसओवर। अब एक और चीज है, गेन क्रॉसओवर पे सुनो, गेन क्रॉसओवर पे आप निकालोगे गेन क्रॉसओवर, डोंट वरी, थोड़ा लेंथी है बट निकालोगे। अब एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि गेन क्रॉसओवर पे जो एंगल आएगा, जो 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 एंगल आएगा वो तो ये आएगा इस एक्सिस से देखते ना एंगल, और इस एंगल में 180 ऐड कर दो तो क्या आएगा, फेज मार्जिन, और फेज मार्जिन इस बार नेगेटिव होगा, नहीं क्यों, क्योंकि जो एंगल होगा वो देखो माइनस 180 से तो बड़ा ही होगा, मतलब माइनस 190 ले लो, चलो मान लीजिए मैंने माइनस 190 ले लिया, माइनस 180 तो यहीं तक आएगा ना, उससे तो बड़ा ही है नेगेटिव में, तो इसका मतलब माइनस 190 ले लिया। ये मेरा एंगल है इस पॉइंट में, अब मुझे तो क्या चाहिए, फेज मार्जिन, तो 180 ऐड कर दो इसमें, तो फेज मार्जिन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है, फेज मार्जिन नेगेटिव आएगा। खैर वो छोड़िए, नेगेटिव पॉजिटिव बस आप निकालना सीखे कैसे निकालते हैं, अभी के लिए मुश्किल लग रहा है क्या चीजें, और कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, कंसेप्ट बड़ा आसान है, ठीक है, कंसेप्ट बड़ा इजी है, चीजें थोड़ी सी वैसे मुश्किल है। नेक्स्ट अब लिखिए, हेडिंग डालिए, नया टॉपिक शुरू करते हैं, हेडिंग डालिए मैपिंग, हेडिंग डालिए मैपिंग, मैपिंग एंड एनसर्कलमेंट, मैपिंग एंड एनसर्कलमेंट। मैपिंग एंड एनसर्कलमेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ गए हो तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैपिंग एंड एनसर्कलमेंट, ठीक है, उधर देखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो आगे मैं यूज करूंगा निक्विस्ट प्लॉट में, तो एक तरह से आपको उसका मैथमेटिक्स में समझा देता हूँ, सो दैट जब हम बाद में जब फिर से समझेंगे इसको तो आपको बड़ा इजीली समझ आएगा, ठीक है। जरा देखिए, सबसे पहले मैपिंग जरा देखिए, मैपिंग मैप कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्टूर है, एक कोई क्लोज लूप, कोई कॉन्टूर है, और ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है जी, और ये पॉइंट है आपका वन, ये पॉइंट है मान लीजिए वन प्लस जे, ये पॉइंट है आपका जे, ये पॉइंट है माइनस वन प्लस जे, ये पॉइंट है आपका माइनस वन, ये पॉइंट है माइनस वन माइनस जे, और ये पॉइंट है माइनस जे, और ये पॉइंट है वन, ठीक है जी, ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, और ये कोई कॉन्टूर दे रखा है, ठीक है।
कॉन्टूर दे रखा। क्लियर अभी? अब आपको इसको मैप करना है, इस कॉन्टूर को मैप करना है, ठीक है, किसमें? वन ओवर एस प्लस हाफ में, एक्स प्लस हाफ। एक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये कोई नया फंक्शन है एफ एक्स, एक्स कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना एक्स इज कॉम्प्लेक्स, रियल नहीं है, एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ एक्स, और आपको इसको, इस पूरे कॉन्टूर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आप इसको कह सकते हो एक्स प्लेन, एक्स प्लेन है, एक्स प्लेन में आपने इसको दिखाया, एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बेहतर होता मैं एस कर लेता इसकी जगह, क्योंकि एस क्या होता अपने आप में, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो एक काम करता हूं मैं इसको क्या लिख लूं, एस प्लेन, और यहां पर मैं क्या कर दूं, एस, एस इज कॉम्प्लेक्स और ये एस, ठीक है जी। अब जरा देखिए, क्योंकि मैपिंग का एस के साथ कोई लेना देना नहीं है, एस कहीं आप लैपलेस से सोच है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एस, एस की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्टूर है, ठीक है, कोई कॉन्टूर है, क्लोज कॉन्टूर है, ठीक है, और एस प्लेन में है वो कॉन्टूर, इसका मतलब एस वाले पॉइंट्स है, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी मैपिंग करनी है, मुझे मैपिंग करना है, ये कॉन्टूर मैप करना है एफ एस प्लेन के अंदर, तो मैं काम करता हूं एफ एस प्लेन बना रहा हूं, एफ एस, एफ एस प्लेन, एफ एस प्लेन में क्या है, ये है रियल ऑफ एफ एस और इधर क्या आएगा, इमेजिनरी ऑफ एफ एस। एफ एस कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ एस, ठीक है, एफ एस जो है वो एस का फंक्शन है और ये खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है जी। मैपिंग करनी है इस कॉन्टूर की, मैपिंग करनी है इसमें, कैसे करते हैं वो जरा देखिए, मैपिंग कैसे करते हैं वो जरा देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जैसे एस की वैल्यू यहां पे वन है क्योंकि एस प्लेन है, तो यहां पे एस की वैल्यू निकलेगी, अब इस एस की वैल्यू वन पे एफ एस की क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं मैप करूं इसमें, मैप करने का मतलब है इस पॉइंट को अगर इसके अंदर पुट करूं तो एस, एफ एस की वैल्यू क्या आएगी, 2/3, तो आपको यहां पर दिखा दो 2/3 ये वैल्यू है, तो आप यहां पर दिखा दो 2/3, इसका मतलब ये पॉइंट जो एस प्लेन में था अगर उसको आप एफ एस में मैप करोगे तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, समझ आया अभी, क्लियर हुआ, बड़ा आसान है, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है जो एस प्लेन में वन पे था उसको जब मैंने मैप किया वन अपॉन एस प्लस टू, मतलब एफ एस में मैप किया, कैसे मैप किया, एस की वैल्यू पुट कर दी बस और क्या किया, तो ये बन गया 3/2 या 2/3, वो मैंने यहां पर दिखा दिया, करेक्ट है। तो इस पॉइंट की मैपिंग इस प्लेन में यहां पर आएगी, इस पॉइंट की मैपिंग वन पॉइंट की एफ एस प्लेन में, एफ एस प्लेन में यहां पर आएगी, करना कुछ नहीं होता, एस की जो वैल्यू है वो पुट करते जा रहे हैं, सिंपल है, समझ आ रहा है सबको, आगे बढ़े। नेक्स्ट जरा देखिए, इस पॉइंट को मैप कीजिए, मैं इधर से इधर चल रहा हूं कॉन्टूर में, ध्यान रखना कॉन्टूर में मैं इधर से इधर चल रहा हूं, इस पॉइंट को मैप कीजिए, ये बनेगा वन ओवर वन प्लस जे प्लस वन बाई टू, क्या कहते हैं, एस की जगह में वन प्लस जे नहीं आ गया, तो आप बताओ क्या बन गया, ये बन गया वन ओवर 3/2 प्लस जी, और इसको रियलाइज कर दो, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओगे तो रियलाइज करोगे क्या बन जाएगा, 3/2 माइनस जे, ऊपर आ जाएगा माइनस जे और नीचे क्या आएगा 9/4 प्लस जे स्क्वायर, जे स्क्वायर इज 1। अब बताओ क्या बनाइए, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल के देखो, 13 माइनस जे है जी 4/13 यार, इसका मतलब पॉइंट कहां पे आएगा, रियल पार्ट पॉजिटिव है 6/13 2/3 से छोटा है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है 4/14 नहीं आ गया, समवेयर यहां पे कहीं आएगा, रियल पार्ट मेरा इतना है और इमेजिनरी पार्ट इतना है, समवेयर ठीक है, रियल पार्ट इज 6/13 एंड इमेजिनरी पार्ट इज -4/3, ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट ये था, ये पॉइंट नंबर वन लगा लेता हूं मैं, दिस इज पॉइंट नंबर टू, तो वन के कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आया, टू के कोरस्पॉन्डिंग, तो अब एक काम करता हूं क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं इधर से इधर जा रहे हो, तो मैं एक काम करता हूं इसको भी ऐसे अप्रोक्सीमेटली मिला देता हूं, क्या कहते हैं,
जब आप यहाँ इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, तो जब आप इनको मिलाओगे ऐसे तो ये भी तो मिल जाएगा। हालांकि स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेट बनाया, ठीक है, बट मिलेंगे दोनों पॉइंट, ये पक्का श्योर है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से जब ये कॉन्टिन्यूस है तो इधर भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है, वो आप चेक कर लेना, वो मैंने अप्रोक्सीमेट ऐसे बिना सोचे समझे लगा दिया, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। और इमेजिनरी एक्सिस में पहले 4/13 था, अब क्या होगा 4/5, मतलब थोड़ा सा इधर आ जाएगा पॉइंट, क्या कहते हैं, क्योंकि रियल पार्ट थोड़ा इधर खिसक गया और इमेजिनरी पार्ट डाउन हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट पहले कितना था, इस पॉइंट में इमेजिनरी पार्ट कितना था 4/13, अब 4/13 छोटा होता है 4/5 से, नहीं समझे, तो 4/5 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस जे 4/5 नीचे की तरफ आ जाएगा, और रियल पार्ट 6/13 था, ये 2/5 है, तो रियल पार्ट थोड़ा उधर से स्टार्ट किया, इसका मतलब इसको थोड़ा सा आप इधर कर दिया भाई। नेक्स्ट जरा देखिए, ये बताइए इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये पॉइंट नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग था, ये पॉइंट नंबर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग था, ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, 3 वाला पॉइंट क्यों है। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 4, हाँ जी बोलिए, पॉइंट नंबर 4 को मैं माइनस 1 प्लस जे पुट कर दो इसके अंदर, माइनस 1 प्लस जे, तो क्या बनेगा ये 1 ओवर माइनस 1 प्लस जे प्लस हाफ, तो बताओ क्या बन गए, ये बन गया 1 ओवर j माइनस हाफ, हाँ जी अब बताओ इसका रियल और इमेजिनरी क्या बनेगा, माइनस 2/5 माइनस 4/5 j, ठीक है जी, तो रियल पार्ट कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, मतलब रियल पार्ट है माइनस 2/5, ठीक है क्यों भाई, क्योंकि रियल पार्ट जो है ना, इसका रियल पार्ट क्या था, तीसरे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट क्या था, बताओ जरा 4/5 कितना था रियल पार्ट, 2/5 छोटा है तो थोड़ा सा आगे सरक जाएगा, रियल पार्ट थोड़ा सा कम है ना, 6/13 यहाँ पे था, तो 6/13 से छोटा है ये पॉइंट, तो थोड़ा सा आगे आ जाएगा रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट इसका था 4/13 और इसका कितना है 4/5 नेगेटिव, तो 4/13 यहाँ पे था, 4/5 निकालो थोड़ा नीचे चले जाएगा, करेक्ट है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर फोर के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, ठीक है, तो रियल पार्ट आ रहा है -2/5 जो इसका पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव है, और इमेजिनरी दोनों का नेगेटिव है, इसका मतलब इसी के पैरेलल में आ जाएंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट इसमें पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव है उतना इसमें क्या है नेगेटिव है, तो आप इसको इधर मिला और एरो लगाना ना भूलिए, ठीक है। अब बताइए -1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा, -1 पुट कर दो, -1 प्लस ये देख लेना, अब फिफ्थ पॉइंट आएगा -1 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा -2 यहाँ पे समझे, सीधा आप ये मिला -2,
नेक्स्ट आप बोलिए माइनस वन माइनस जी माइनस टू बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव। अब पॉइंट नंबर सिक्स बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए, डोंट वरी बोर्ड में देखिए। मैं इसको रफ कर दू पूरे को, ये मुझे कंफ्यूजन करता है, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहां तक समझ आया ना सबको? कुछ भी नहीं किया मैंने, मैपिंग किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। पॉइंट वन मैंने पुट किया बस फंक्शन के अंदर और बड़ा आसान है। नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिक्स पॉइंट को ले रहा हूं, माइनस वन माइनस जी, इसको पुट करो जरा यहां पे, माइनस वन माइनस जी, तो बताओ क्या बनेगा, वन ओवर माइनस वन माइनस जी प्लस हाफ, ये बनेगा ना। अब इसको रियलाइज करो और इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या, वन ओवर माइनस हाफ बच गया और माइनस जी बन गया, ठीक है, माइनस हाफ माइनस जी। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, माइनस टू बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव जी, माइनस टू बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव जी, ठीक है जी। तो कहां पे आएगा पॉइंट मेरा, रियल में माइनस टू बाई फाइव पे, तो माइनस टू बाई फाइव तो यहां पे था, माइनस टू बाई फाइव यहां पे नहीं था। अच्छा जी, माइनस टू बाई फाइव रियल में इतना था और इमेजिनरी पार्ट कितना है, फोर बाय फाइव, इसमें इमेजिनरी कितना था, माइनस फोर बाय फाइव, तो जितना ये नेगेटिव होता है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट मेरा यहां चल रहा है। अब उसके बाद माइनस जे, माइनस जे डालिए, माइनस जे डालोगे तो कितना आएगा है जी, माइनस जे, पॉइंट नंबर सेवन, टू बाई फाइव प्लस फोर बाई फाइव जी, इसका इमेज नहीं, तो जो इसका है वही इसका भी है दूसरे वाले का भी, बट रियल पार्ट इसका नेगेटिव है, इसका क्या है पॉजिटिव, इधर मुंह कर जाएगा, ठीक है, इधर मुंह कर जाएगा। तो मेरे ख्याल से सिमेट्री की बन रहा है, देखो तो मैं सीधा सीधा आप तो डायरेक्ट ही बना सकता हूं, जैसा ये वैसा यहां पे आ जाएगा थोड़ा इधर की तरफ और फिर क्या आ जाएगा फिर इधर हो जाएगा, क्या कहते हैं ये मैपिंग बनेगी, है ना, सिमेट्रिक सा बना था ना, जैसा नीचे बनाया वैसे ऊपर बना, ठीक है, वो दिक्कत बताइए। लेकिन एक पॉइंट नोटिस करने वाला है यहाँ पे, जो अभी आपको नोटिस करके चल रहा है, माइनस वन बाई टू है जी, माइनस वन बाई टू, कौन सा माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू में जीरो हो जाता है, एफ एस इक्वल टू वन बाई, चलो देखते हैं वो, अभी देखिए वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए दो तीन पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं, ये कॉन्टूर इधर था मतलब एंटी क्लॉकवाइज था, जब ये कैसा आया क्लॉकवाइज में आया, साथ साथ लगाते चल गए भाई, इसमें जब हम इधर से इधर चल रहे थे तो इसमें इधर से इधर चल रहे थे, ठीक है, समझ रहे आप, इसका मतलब जब ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज था तो ये कैसा है क्लॉकवाइज, ये मेरा क्लॉकवाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। दूसरा, ये ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है, ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है, ठीक है, समझ रहे आप, ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है, करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपको सेम यही कॉन्टूर मैप करना है, सेम यही कॉन्टूर मैप करना है, पहले वाला समझ आया, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं आप, लेकिन तीन चार मैपिंग करेंगे और फिर हम एक रिजल्ट निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, तो पहले तीन चार मैपिंग कर लेते हैं और फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे हम, ठीक है, और वो कंक्लूजन हमारे काम की चीज होगी, ठीक है, वो कंक्लूजन हमारे काम की चीज होगी, और उसका यूज कैसे करेंगे आगे हम फ्यूचर में वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखिए, इसको आपको मैप करना है, सेम कॉन्टूर है ऐसे ही, इसको आपको मैप करना है, इधर देखिए, और वो करना है एस प्लस हाफ के अंदर, एस प्लस हाफ, वन अपॉन था पिछली बार, इस बार क्या करना है, एफ एस गेम में मैप करना है, अगर एफ एस इज एस प्लस हाफ तो ये तो ज्यादा आसान है, तो बताइए एफ एस में इसमें मैप कीजिए, वन पे क्या वैल्यू आएगी, थ्री बाई टू, वन पे वैल्यू आएगी थ्री बाई टू, नेक्स्ट वन प्लस जे पे क्या वैल्यू आएगी, एस सी जगह वन प्लस जे कर दो, थ्री बाई टू प्लस सी, थ्री बाई टू प्लस सी ऊपर चढ़ जाएगा, तो इधर से इधर चला गया, थ्री बाई टू प्लस सी, थ्री बाई टू प्लस सी, नेक्स्ट आप बोलिए, नेक्स्ट क्या आएगा, जे जे करो तो जे प्लस हाफ,
तो जे प्लस हाफ करोगे तो कितना कितना आएगा? इमेजिनरी पार्ट तो जे आएगा बट रियल पार्ट क्या हो जाएगा? हाफ। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट जे प्लस हाफ। क्या कहते नहीं जे प्लस हाफ। नेक्स्ट आप बोलिए माइनस वन प्लस जे करो जे माइनस हाफ। तो इमेजिनरी पार्ट तो जे ही रहेगा रियल पार्ट नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ठीक है जी j माइनस हाफ राइट साइड वन बाय टू शिफ्ट होगा। अब सुनिए अब बोलिए नेक्स्ट आपका कौन सा पॉइंट है माइनस वन तो माइनस हाफ उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस हाफ नीचे आ जाएगा माइनस हाफ। तो मेरे ख्याल से अब तो बड़ा आसान है बनाना हाँ आई थिंक कुछ इस तरह का आएगा इस तरह का आएगा ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इस तरह का आएगा है ना कोई परेशानी तो बताइए बड़ा आसान है चेक करके देख लो यार अगला पॉइंट ले लो माइनस वन वाला ले लिया था ना माइनस वन वाले पे माइनस हाफ आया अब ले लो माइनस वन माइनस जी तो क्या आएगा माइनस हाफ माइनस जी आई थिंक ये बनेगा अगले पॉइंट पे देखो ना माइनस वन माइनस एफ पुट कर दो इसमें एस की जगह पे मैपिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट का पॉइंट पुट करना है माइनस जी तो माइनस जी पुट करोगे क्या बनेगा माइनस जे प्लस हाफ इसका मतलब यहां पे आ जाएगा सीधा ये वाला पॉइंट यहां से सीधा ये पॉइंट आएगा और उसके बाद क्या पुट कर दो माइनस वन माइनस जे वो ये पॉइंट आ जाएगा समझ आ गई तो मेरे ख्याल से इजी है। लेकिन यहां पे अगेन नोटिस करने वाली बात क्या है जरा देखो ये क्लॉकवाइज का कंटूर ये भी क्लॉकवाइज है इस बार तो ये दोनों कंक्लूजन लिखो साथ साथ उनके लिखो कंटूर वाज पिछले केस में कंटूर वाज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड द मैपिंग वाज अगेन वाज क्या थी बताओ मैपिंग क्या थी क्लॉकवाइज मैपिंग वाज क्लॉकवाइज ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में आप लिखिए कंटूर इज एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन द मैपिंग इन एफएस प्लेन इज एंटी क्लॉकवाइज ठीक है इसमें मैपिंग भी एंटी क्लॉकवाइज है और कंटूर भी एंटी क्लॉकवाइज था और अगेन ये ओरिजिन को क्या कर रहा है एनसर्कल कर रहा है ठीक है भाई ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है ओरिजिन को एनक्लोज कर रहा है क्या कहते हैं ठीक है ओरिजिन को एनसर्कल कर रहा है एनसर्कलमेंट आ रही है ओरिजिन आप देख सकते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एनसर्कलमेंट आ रही है ओरिजिन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लियर अभी दो पॉइंट क्लियर हुए ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कंक्लूजन बनाएंगे अभी दो और पॉइंट करने ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए नेक्स्ट मैं कर रहा हूं रखा तू मैं ठीक है ये समझ आया आपको मैपिंग बड़ी आसान है मतलब एक तरह से दसवीं क्लास वाले बच्चे का काम है कुछ नहीं कर रहा इधर से पॉइंट उठा के इसमें पुट करके वहां पे फ्लोट कर ले दिक्कत क्या है। नेक्स्ट देखिए एक और आप एफ एस लीजिए एक और में एफ एस में सेम कंटूर को मैप कर रहे हैं कंटूर मेरा सेम कंटूर है इसको मैप कर रहे हैं वन ओवर एस प्लस टू इसके अंदर मैप कर या एस माइनस टू ले लो कोई पार्ट नहीं बोलो वन ओवर एस प्लस टू इसके अंदर मैपिंग कर दिया और इस कंटूर की मैपिंग इसके अंदर कर दी इस एफ एस प्लेन में कर दी एक बार आप कर लो कंटूर की मैपिंग करनी है एफ एस प्लेन में वेयर एफ एस इज वन ओवर एस प्लस टू जल्दी करो अपने पास टाइम थोड़ा कम है हर जगह देखिए वन वाला पॉइंट कितने पे आएगा वन बाई थ्री पे। नेक्स्ट आप बोलिए वन प्लस जे वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा थ्री बाई टेन थ्री बाई टेन माइनस जे बाई टेन समेर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि थ्री बाई टेन और वन बाई थ्री तकरीबन सेम ही होते वन बाई थ्री इज पॉइंट थ्री थ्री एंड थ्री बाई टेन इज अगेन पॉइंट थ्री थ्री तो रियल पार्ट उतना ही आएगा और इमेजिनरी में कितना आएगा माइनस जे बाई टेन ठीक है माइनस जे बाई टेन ये आ गया तो यहां से यहां पे मूव कर दिया। नेक्स्ट आप बोलिए जे जे पुट करो जरा जे पुट करोगे कितना आएगा टू बाई फाइव माइनस जे बाई फाइव थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आप बोलिए ये आएगा टू बाई फाइव देखो पहला पॉइंट था वन बाई थ्री दूसरा पॉइंट क्या आया बताओ थ्री बाई टेन माइनस जे बाई टेन लिख लो साथ साथ। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है जे तो जे पॉइंट कितना आएगा बताओ जरा वन बाई टू माइनस जे बाई टू टू बाई फाइव माइनस जे बाई फाइव
टू बाई फाइव माइनस ए बाई फाइव, ये पॉइंट नंबर थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग है, पॉइंट नंबर फोर के कॉरस्पॉन्डिंग बोलिए हाफ माइनस जे बाई टू, तो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा मुझे लगता है, या रियल पार्ट भी इधर थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं हाफ हाफ कहां पे आएगा, पॉइंट फाइव ना, हाँ आगे चला जाएगा और माइनस जे बाई टू, देखिए समय इधर कहीं आएगा हाफ माइनस जे बाई टू, ठीक है जी याद। नेक्स्ट आप बोलिए अगला one. अगला आएगा वन, माइनस वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा वन, तो वन मेरा यहां पे है इस तरह, तो थोड़ा बहुत अब सिमेट्री की बनेगा ऊपर की तरफ भी मेरे हिसाब से, तो पुट करके देख लो, नेक्स्ट माइनस वन के बाद माइनस वन माइनस ए पुट करो, हाफ माइनस ए बाई टू, हाफ प्लस ए बाई टू, ऊपर आ जाएगा सिमेट्री सा बनेगा। पहली बात तो ओडिशन का कोई एनसर्कलमेंट नहीं आया, आप लिखो कंक्लूजन लिखो, नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, कोई एनसर्कलमेंट नहीं है ओरिजिन का, ठीक है, और जो कंटूर की डायरेक्शन है वो कैसी है, हमें डायरेक्शन का आपको लेना देना, क्योंकि एनसर्कलमेंट जब ओरिजिन का आता है तब हम डायरेक्शन देखते हैं, वैसे लिख रहे तो लिख लो डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी कंटूर की, इसकी कैसे आई है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज है, बट डायरेक्शन हमारे लिए जब ओरिजिन को एनसर्कल करेगा तब इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। अभी आप लिख लो, अभी के लिए तो कंफ्यूजन निकाल रहे हैं तो लिख लो, नेक्स्ट आप निकालिए एस प्लस टू में, मैपिंग कीजिए एस प्लस टू में, लास्ट है एस प्लस टू में मैपिंग कीजिए, रब कर दूं मैं इसको, हाँ जी देख लो, अब आप मैप कीजिए सेम कंटूर को एस प्लस टू में, हो गया सर, देखें एस प्लस टू में मैपिंग करते हैं, मैं इस बार कर रहा हूं, एस प्लस टू में मैप करते हैं, बताइए जरा क्या बनेगा, देखिए वन को मैप कीजिएगा तो क्या आएगा थ्री, नेक्स्ट वन प्लस जे को मैप कीजिए थ्री प्लस जे, ऊपर चला गया, नेक्स्ट आप बोलिए है जी 2 प्लस जे, ये लो जी 2 प्लस जे यहाँ पे आ गया 1 प्लस जे, ये था 2 प्लस जे आ गया, नेक्स्ट अगला पॉइंट 1 प्लस जे, 1 प्लस जे यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट बोलिए 1 माइनस जे, अब मेरे ख्याल से ये वही आ गया, या ठीक है जी, हाँ जी ये दूसरे की मैपिंग, ये तो बड़ी आसान होती है, इसमें भी ओरिजिन का एनसर्कलमेंट क्या है, कोई ओरिजिन का एनसर्कलमेंट नहीं है, ठीक है कोई ओरिजिन, तो नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन एंड कंटूर इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज। अब कंक्लूजन, अब चार पॉइंट हमने पढ़े, अब इनके बेसिस पे हमें थ्योरी बनाते हैं, हालांकि आप और पॉइंट पे चेक कर सकते हो, ये काफी नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं बाकी चेक नहीं करवा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं थ्योरी बना रहा हूँ, चलो देखिए कैसे, ऑलवेज याद रखिए जो भी मेरा कंटूर है अगर आप उसको मैप कर रहे हो किसी डिफरेंट फंक्शन में, ठीक है, उसके पॉइंट्स को आप मैपिंग कर रहे हो, उस कंटूर की मैपिंग कर रहे हो किसी fs फंक्शन में, और fs की वैल्यू मान लीजिए कुछ इस तरह थी, पहली वाली क्या थी 1 ओवर s प्लस हाफ, ऐसे थी, इस प्लेन में मैप कर रहे हो, ठीक है, इसका पोल बताओ कहां पे है, माइनस हाफ, पोल इस कंटूर के अंदर लाई कर, इस fs का पोल कंटूर के अंदर लाई करता है, ठीक है, तो जब भी किसी कंटूर को, क्लोज कंटूर को मैप करते हो किसी ऐसी ऐसे फंक्शन में जिसका पोल अंदर लाई कर रहा है, तो जो मैपिंग आएगी वो ओरिजिन को पक्का इनसर्कल करेगी, ओरिजिन को पक्का इनसर्कल करेगी, अब सुनिए पूरी बात नहीं हुई, मैंने क्या बताया, मैंने बताया जब भी किसी क्लोज कंटूर को किसी fs में मैप करते हो आप, किसी fs में मैप करते हो, और fs का अगर पोल, fs का पोल अगर इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है, तो जब आप इसको मैप करोगे, इसको जब आप इसके अंदर मैप करोगे,
तो जो मैपिंग आएगी वो ओरिजिन को एनसर्कल करेगी। अब किस डायरेक्शन में करेगी? ऑपोजिट टू दिस। अगर पोल एनसर्कल कर रहा है, पोल इसके अंदर आ रहे, ऑपोजिट साइड में एनसर्कल करेगी। और कितने पोल इसके अंदर आ रहे हैं? एक पोल, तो एक बार एनसर्कल करेगी। अगर दो पोल इसके होते और दोनों इसके अंदर लाई कर रहे होते तो ओरिजिन को कितनी बार एनसर्कल करती? दो बार। और कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में कंटूर लिया आपने उसके ऑपोजिट, बस सीधी बात, जिस डायरेक्शन में आपने कंटूर लिया उसके ऑपोजिट। समझ आया? अब जैसे कि देखिए, अगर मैं ये ले लेता वन ओवर एस प्लस हाफ इंटू एस माइनस हाफ, मान लीजिए ये ले लेता और मैं बोलता इसकी मैपिंग करो इसके अंदर, तो इसके दो पोल है। पोल का क्या होता है तब? पोल क्या होता है? जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो होने के लिए एस की वैल्यू तो हाफ होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? माइनस हाफ। तो दो पोल है और दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इस कॉन्टूर को जब आप इस एफ एस में मैप करोगे तो ओरिजिन के एनसर्कलमेंट आएंगे दो, और कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? अगर ये क्लॉकवाइज आपने कॉन्टूर लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट आएंगे ओरिजिन की। कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई परेशानी है आप पूछ सकते हैं। समझा? दूसरा केस हमने देखा था, तो ये लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, इफ द पोल्स ऑफ द एफ एस, पोल्स ऑफ द एफ एस ब्रैकेट में करो एफ एस के, द फंक्शन इन विच वी आर मैपिंग द कॉन्टूर, द फंक्शन इन विच वी आर मैपिंग द कॉन्टूर, कॉन्टूर को जिसमें मैप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। If the poles of FS lies inside the contour, then the map function, मतलब जो मैपिंग करने के बाद जो कॉन्टूर आएगा, then the mapping of S, the mapping of S plane in FS plane, आप लिखो, then the mapping of contour in S plane will encircle the origin, then the mapping of contour in FS plane, then the mapping of contour in FS function will encircle the origin in the direction opposite to the contour, and the number of encirclement will be equal to, and the number of encirclement, मैंने क्या बोला बताओ, नहीं कोई छूट गया पीछे, मुझे लगता है पीछे रह गया, नहीं मैं पीछे बता रहा हूँ, जरा देखिए, मैंने एक बार स्टेटमेंट बोला पीछे, एक बंदा बोली इधर से, हाँ जी, if the poles of FS bracket with the function in which we are mapping the contour lies inside the contour, then the mapping of contour in FS plane will encircle the origin in direction opposite to contour, and the number of encirclement, and the number of encirclement will be equal to, batao, number of poles inside the contour. कितने पोल इसके कंटूर के इनसाइड लाई कर रहे हैं? अगर पोल आउटसाइड द कंटूर लाई करता, मान लीजिए जरा देखिए, अगर आउटसाइड का लाई कर रहा, जैसे कि हमने S plus को देखा, तो क्या ओरिजिन के एनसर्कलमेंट आएंगे? नहीं आएंगे। तो आप एक पॉइंट और लिख लो, इफ द पोल लाइज, अगर एनसर्कलमेंट ओरिजिन को एनसर्कलमेंट नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्शन मत देखो कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इफ द पोल्स ऑफ एफ एस, इफ द पोल्स ऑफ एफ एस लाइज आउटसाइड द कॉन्टूर, देन बिकॉज ऑफ दैट पोल, इफ द पोल्स लाइज आउटसाइड द कॉन्टूर, अगर कॉन्टूर के आउटसाइड लाई कर रहे हैं, देन बिकॉज ऑफ दोज पोल्स जो आउटसाइड लाई कर रहे हैं, देयर विल बी नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का एनसर्कलमेंट नहीं आएगा, है जी। इफ द पोल्स ऑफ एफ एस लाइज आउटसाइड द कॉन्टूर, कॉन्टूर से आउटसाइड लाई कर रहे हैं, मान लीजिए पोल इस कॉन्टूर से आउटसाइड लाई कर रहे हैं, मान लीजिए पोल, देन देयर विल बी नो एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन, इन द मैप प्लेन, ठीक है, जो भी मैप प्लेन है उसमें कोई ओरिजिन का एनसर्कलमेंट
नहीं आएगा अगर पोल मेरा क्या कर रहा है बाहर लाई कर रहा है। पोल वाला केस समझ आया। अब आते हैं जीरोस पे। सर एक अंदर एक बार अगर मान लीजिए ऐसा है एस प्लस टू एस प्लस वन तो इसका मतलब क्या आएगा इसकी वजह से कोई आंसर कमेंट नहीं और इसकी वजह से एक आंसर कमेंट आएगा इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल आंसर कमेंट ओरिजिन के कितने आएंगे एक आएगा और कौन से डायरेक्शन में आएगा ऑपोजिट टू द कंटूर। अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज और अगर ये एंटी क्लॉक अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। सीधी बात पोल की वजह से आपको ये देखना है कितने पोल इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं जितने भी पोल उसके अंदर लाई कर रहे हैं उतने ही ओरिजिन के क्या होंगे जब मैच करोगे इसकी एनसर्कलमेंट आएंगे बट डायरेक्शन किधर होगी मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जनरल है ये कोई लैपलेस डोमेन नहीं है। मैं आपको बता दूं तो ये आप सोचोगे एस में कर रहे हो एस में मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज कंट्रोल सिस्टम में जो भी आप फंक्शन पढ़ोगे वो एस में पढ़ोगे आप समझे लैपलेस डोमेन में पढ़ोगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अदरवाइज मैं एक्स से शुरू किया था आपको याद है बाउंड्री पे देखते बाउंड्री में तो डिफाइन ही नहीं होगा ठीक है बाउंड्री पे हम नहीं चेक करेंगे बाउंड्री वाला केस एक स्पेशल केस है अलग से ठीक है मतलब पोल शुड नॉट लाई ऑन द बाउंड्री बाउंड्री वाला पोल को फिर एक्सक्लूड करना पड़ेगा कंटूर जो है वो पोल के ऊपर नहीं होना चाहिए ठीक है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि फिर डिफाइन ही होगा ना। अगर यहाँ पे वन होता मान लीजिए एस प्लस वन होता तो माइनस वन पे पोल लाई कर रहा है और माइनस वन पे कंटूर भी है तो आप मैथ कैसे करोगे इस पॉइंट को वन या फिर माइनस वन वाले पॉइंट को माइनस वन पे ना पोल तो इसका पोल माइनस वन पे तो जब आप माइनस वन वाले पॉइंट को इसके अंदर मैथ करोगे तो क्या हो जाएगा लोग नोट डिफाइन हो जाएगा आप मैथ कर ही नहीं पाओगे तो इसका मतलब पोल शुड नॉट लाई ऑन द कंटूर पोल जो है वो कंटूर पे लाई नहीं करना चाहिए करेक्ट है। पोल वाला कांसेप्ट समझ आएगा आपको कि कितने एनसर्कलमेंट पोल की वजह से आते हैं। अब जीरोस वाला देखिए मैंने बोला कि आप इसको मैप कीजिए आप आपने ये क्वेश्चन किया था अभी जस्ट अभी वन ओवर एस प्लस टू में मैप किया इसके इसके जीरोस है डिनोमिनेटर तो है नहीं ना डिनोमिनेटर तो वन है जीरोस क्या होते हैं बताओ जरा किसी भी और ये जीरोस कंटूर के अंदर लाई कर तो जो मैपिंग आती है वो कैसे दिख रहा ओरिजिन को फिर से एनसर्कल कर रहा था और कौन सी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में इसका मतलब अगर जीरोस ऑफ एफएस लाइज इनसाइड द कंटूर देन अगेन देयर विल बी एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ कंटूर और कितने एनसर्कलमेंट होंगे इसके अंदर जितने नंबर ऑफ जीरोस इसके अंदर है उतने ही क्या आएंगे एनसर्कलमेंट आएंगे सेम डायरेक्शन में ये आएगा सेम डायरेक्शन में समझे आप तो आप लिख लो सेम स्टेटमेंट वही की वही लिखनी है बट इस बार क्या है तो लैंग्वेज आपको पहले लिखवा दी है मैंने जहां पे पोल थे वहां पे क्या कर दो जीरोस और जहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन थी वहां पे क्या कर दो सेम डायरेक्शन बस सेम स्टेटमेंट है पिछली जहां पे जीरोस थे वहां पे पोल्स कर दो इफ द एफएस इफ द पोल्स ऑफ एफएस सॉरी जीरोस ऑफ एफएस lies inside the contour, then again there will be encirclement of origin in the map plane. ठीक है map plane में origin के encirclement आएंगे and in the same direction of contour. Origin के encirclement आएंगे same direction में किस direction में जिधर contour आपने लिया contour अगर आपने anti-clockwise लिया तो anti-clockwise direction में clockwise लिया तो clockwise direction में encirclement आएगा origin का समझ आ गई कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए जीरोस मेरा बाहर होता एनसर्कलमेंट ना होता माइनस टू पे होता ठीक है मतलब इसको एनक्लोज नहीं कर रहा है ये कंटूर के अंदर नहीं है ये जीरोस समझ आया तो फिर हम क्या बोलते हैं तो ओरिजिन के कितने एनसर्कलमेंट आएंगे कोई नहीं आएगा इसकी वजह से कोई नहीं आएगा ये ओरिजिन को एनसर्कल नहीं करेगा और देखा होगा आप देखो ऐसा बन रहा था इसकी वजह से ये ओरिजिन को एनसर्कल नहीं कर रहा और नहीं कर रहा तो डायरेक्शन को देखना ही तो मैंने बताया कि जो जीरोस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं उनकी वजह से एनसर्कलमेंट आते हैं और जो पोल्स कंटूर के अंदर आते हैं उनकी वजह से एनसर्कलमेंट आते हैं बट पोल की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट आएंगे किसके ऑपोजिट कंटूर की डायरेक्शन के और जीरोस की वजह से सेम डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट आएंगे। अब जरा देखिए अब एक फॉर्मूला बन गया मेरा नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इज इक्वल टू इसकी बाउंड्री मान लीजिए ऐसे और इसमें मैप करना है इसको और मुझे बता रहा हूं कि कितने ओरिजिन के एनसर्कलमेंट आएंगे। मुझे बताओ कितने जीरोस हैं? दो, माइनस हाफ एंड माइनस वन बाई टू। क्या दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं? बिल्कुल इसके अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट माइनस वन पे है। तो माइनस हाफ और माइनस वन बाई थ्री ऑब्वियसली माइनस वन से बड़े होते हैं, तो इधर लाई करेंगे। ठीक है, इसका मतलब दो जीरोस इस कॉन्टूर के अंदर आए कर रहे हैं, दोनों के दोनों जीरो कॉन्टूर के अंदर आए, तो इनकी वजह से एनसर्कलमेंट ओरिजिन के कितने आएंगे टोटल? दो आएंगे सेम डायरेक्शन। और ये पोल कितने लाई कर रहे हैं? तीन पोल, तीनों अंदर लाई कर रहे हैं, तीनों अंदर लाई कर रहे हैं इसके। इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना आ गए? तीन, तीन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए और दो कॉन्टूर की सेम डायरेक्शन में। तो नेट कितने आए? नेट एनसर्कलमेंट कितना है? वन, और कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। इन नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल। अच्छा, क्योंकि मैंने जीरोस आगे लिया है तो इसका मतलब जो ये एनसर्कलमेंट होंगे ये कौन सी डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टूर, सेम डायरेक्शन ऑफ कॉन्टूर। लेकिन अगर एन को मैं पी माइनस एड लिख देता तो ये भी लिखा होता पी माइनस एड। अगर एन इज इक्वल टू पी माइनस एड लिखता तो पोल मैंने आगे रखे हैं, इसका मतलब मैं मान के चला पोल ज्यादा है, तभी तो मैंने पोल आगे रखे हैं। मैं चाहता हूं एनसर्कलमेंट पॉजिटिव आए, एन की वैल्यू पॉजिटिव चाहता हूं, तो पॉजिटिव चाहूंगा तो जो भी बड़ी चीज होगी उसको आगे रखूंगा ना। मान लीजिए पोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट कितने आएंगे? नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, बट जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? ऑपोजिट, क्योंकि इस बार पोल ज्यादा है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टूर, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टूर। क्या कहते समझ आएगा कहानी? पहले मुझे ये बताओ मैपिंग समझ आई? और ये समझ आया कि मैं ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं आपकी बुक में, कोई भी एक फॉर्मूला होता है बट कोई जरूरत नहीं है, तो दोनों फॉर्मूले करेक्ट है। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप ये लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है। अगर जेड माइनस पी देख रहे हो तो इसका मतलब आप जीरोस को ज्यादा मान के चल रहे हो, जीरोस बड़ी है मान लीजिए पी से, तभी तो एन पॉजिटिव आएगा। अगर जीरोस बड़ी है पोल से तो टोटल नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट आएंगे जेड माइनस पी, और कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? क्योंकि जीरो ज्यादा है और जीरो क्या देती है डायरेक्शन? कौन सी कॉन्टूर की डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन में देती है, जिधर कॉन्टूर होता है उसी की सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ कॉन्टूर। ठीक है, और अगर पोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट आएगा पी माइनस जेड, एन तो पॉजिटिव रख रहे हैं ना, ज्यादा वाली वैल्यू माइनस कम वाली वैल्यू रख लू, दोनों यूज कर सकते हैं, पोल ज्यादा दिए यूज करो जीरो ज्यादा दिए यूज करो। और ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या है? जब मुझे समझ आ गया कि भी नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट पोल या जीरो का सबट्रैक्शन ही होता है, ठीक है, और जो भी बड़ा है उसके हिसाब से डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। समझ आया आपको? समझ आया मैपिंग कैसे करते हैं? अब इक्वल नंबर होंगे तो कोई एनसर्कलमेंट, हाँ अगर इक्वल हुआ तो कोई एनसर्कलमेंट नहीं आता। अगर इक्वल नंबर हुए जितने पोल है उतने ही जीरो से मान लीजिए उसके अंदर लाई कर रहे हैं, दो पोल इसके अंदर लाई कर रहे हैं, दो ही जीरो इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो टोटल एनसर्कलमेंट कितने आएंगे? जीरो। कोई एनसर्कलमेंट ओरिजिन का नहीं आएगा। ये बड़ी मस्ती है, ठीक है, और ये मैथ्स है, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, पता चला आपका आपको। अब जरा देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका यूज क्या करता हूँ, रफ कर दूँ, क्या टाइम हो गया? 5-7 मिनट ले लूँ, ठीक है। अब जरा देखिए ये कितनी मस्त चीज है, नहीं इमेजिन करो कि मुझे पूरा राइट हाफ, पूरा राइट हाफ मैप करना है, मैं पूरा राइट मैं देखने लगता हूं इस राइट हाफ में। सुनो भाई, मैं मेरे पास कोई फंक्शन है fs 1 ओवर s प्लस 2 s प्लस 3। आप सुनो, अगर मैं बोलूं पूरा राइट हाफ जो है, पूरा राइट हाफ ऑफ द s प्लेन, ये s प्लेन है, कोई s प्लेन है, मैं इसके राइट हाफ को इस फंक्शन में मैप करना चाहता हूं, पूरे राइट हाफ को इस फंक्शन में मैप करना चाहता हूं, तो पहले तो मुझे पूरा राइट हाफ सेलेक्ट करना पड़ेगा,
जैसे आप पॉइंट भी सेलेक्ट करते कॉन्टूर बनाना पड़ेगा ना पूरे राइट हाफ का, तो राइट हाफ का कॉन्टूर कैसे बनाए, एक लाइन कैसे ले लो और ये कहां तक ले लो, इस पर लेना जे ओमेगा क्योंकि इमेजिनरी एक्स है और ओमेगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ओमेगा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी चेंज कर, ये हो गया इंफिनिटी पे चला गए और एक फिर ये सर्कल ले लो जिसकी रेडियस कितनी है इनफाइनाइट आर ई की पावर जे थीटा, आर इज इनफाइनाइट, आर ई की पावर जे थीटा सर्कल नहीं होता लेकिन फिर थीटा भी डिसाइड करना पड़ेगा ना, थीटा प्लस 90 से माइनस 90 पे आ रहा है क्योंकि ऊपर प्लस 90 है, ऊपर पॉजिटिव 90 है और नीचे की तरफ आ गया ना, इसका मतलब थीटा कहां से, थीटा फ्रॉम प्लस 5 बाय 2 टू माइनस 5 बाय 2, ठीक है तो ये आ गया, ये साइड आ गई और ये साइड, ये पूरी इनफाइनाइट तक की प्लेन आ गई, बट अभी वापस सीधा है कॉन्टूर में तो क्लोज होता है ना, क्लोज कॉन्टूर लेना है, कॉन्टूर अपने आप में क्लोज होते हैं नाम से ही क्लियर, तो वापस इधर आओगे तो ये होगा माइनस जे ओमेगा, एक्सिस तो माइनस जे ओमेगा नहीं है और ओमेगा कहां से कहां चेंज हो रहा है, नहीं इनफिनिटी टू जीरो, माइनस तो पहले से ही आ गया ना, माइनस तो पहले से ही है भाई, ओमेगा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर दो, इनफिनिटी पे है पहले, ओमेगा की वैल्यू इनफिनिटी करोगे तो माइनस से इनफिनिटी नहीं हो जाएगा, इनफिनिटी ओमेगा नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ओमेगा तो पॉजिटिव आएगा यार, तो बेसिकली ये बन जाएगा, तो टोटल मेरे तीन पार्ट है इस पूरे क्लोज कॉन्टूर के, तीन पार्ट और इस कॉन्टूर में पूरा राइट हाफ कवर हो गया, पूरा राइट हाफ कवर हो गया, आप देख सकते हो इनफाइनाइट हाइट होगी, फिर इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल हो गया और वो भी प्लस 90 से माइनस 90 पूरा राइट हाफ आ गया और फिर वापस आ गया, तो क्लोज कॉन्टूर हो गया ये और पूरा राइट हाफ कवर हो गया। अब अगर मैं इसको मैप करूं इसके अंदर तो इसका मतलब मुझे क्या पता चलेगा, मान लीजिए मैप करने से, मान लीजिए मैप करो, अब मैपिंग कैसे करते हैं वो आपको बाद में समझ आएगी, ठीक है वो निक्विस्ट प्लॉट में आपको समझ आएगी कैसे मैप करते हैं, अब इस ये अलग तरह से मैपिंग हुआ, अब इसमें पॉइंट वाइज मैपिंग नहीं करेंगे, इसमें पॉइंट वाइज मैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है इसमें पहले एस की जगह जे ओमेगा कर दो और ओमेगा की वैल्यू 0 से इनफिनिटी चेंज करो, आपको पता जाएगा कि कैसा मैपिंग आएगी क्योंकि उससे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे ये लाइन वाले, आप ऐसा नहीं करोगे कि एस की अलग अलग वैल्यू लेके आप वो करोगे, आप एक काम करो एस की वैल्यू जे ओमेगा कर दो पहले तो और फिर ओमेगा की वैल्यू कितनी ले लो, 0 से इनफिनिटी, ठीक है चेंज करके देख लो तो पोलर प्लॉट ही बन जाएगा, तो एस की जगह जे ओमेगा करोगे और ओमेगा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज करोगे, 0 से इनफिनिटी, तो अभी तो समझाया पोलर प्लॉट वही बन जाएगा, नहीं मैपिंग देखो ना कैसे करते हैं, पहले तो इस लाइन को मैप करो, एरो इधर है इस लाइन को मैप करते हैं तो हमारा कौन जे ओमेगा प्लस 2 और यहां पे क्या आएगा जे ओमेगा प्लस 3, अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा और एक क्या आएगा एंगल और ओमेगा की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है 0 से इनफिनिटी, तो क्या बन जाएगा इसका पोलर प्लॉट, नहीं पोलर प्लॉट, और एक बार क्या कर दो माइनस इनफिनिटी से सॉरी इनफिनिटी से 0 एस की जगह माइनस जे ओमेगा पुट कर दो, एस की जगह माइनस जे ओमेगा पुट कर दो, एंगल बदल जाएगा क्योंकि देखो ना ये माइनस आ जाएगा तो माइनस आएगा तो रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, एंगल बदलेगा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एंगल नेगेटिव आएगा नीचे ऊपर आके क्या बन जाएगा इस बार पॉजिटिव, तो इसका इसकी मैपिंग अलग आएगी, इसकी मैपिंग अलग आएगी, पोलर प्लॉट बनेंगे वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको, मेरे ख्याल आज का टाइम हो गया, गलत टाइम पे क्लास खत्म कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और चलेगा ये, अभी मुझे और थोड़ा सा इसके ऊपर मैथमेटिक्स बताने हैं और आप देखना कि सिर्फ मैथ है और मैं पहले कंट्रोल सिस्टम से पहले मैथ समझा रहा हूँ, आप इसको मत सोचो कि ये लिक्विड प्लॉट है या फिर ये पोलर प्लॉट है या फिर हम इसको सीख रहे हैं बस, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, अब ये चीज जरा देखना कंट्रोल सिस्टम में हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में हमने मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन उठा के रख दी है, कुछ चीजें ऐसी यूज हुई है जो मैथमेटिक्स में यूज होती थी और उनको हमने कंट्रोल में यूज कर लिया है कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखने के लिए, ठीक है तो पहले मैंने आपको मैथ समझाया कि किस तरह से मैथ्स हमारा लगता है, कैसे मैपिंग वगैरह कैसे होती है, अभी ये पूरा नहीं हुआ मैपिंग, ठीक है इसके ऊपर आएंगे हम लोग, ठीक है और फिर आपको चीजें समझ आएंगे, ठीक है अभी तक कोई पोल जीरो नहीं, अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है अभी तक तो सिर्फ हम मैथ सीख रहे हैं, हमने सबसे पहले पोलर प्लॉट बनाना सीखा, उससे पहले क्या देखा
उससे पहले क्या किया था? ये भी कर्म मेथड किया था, ठीक है? ये भी कर्म मेथड उससे पहले किया था, उसके बाद कोलन कोड और उसके बाद ये मैपिंग की है। इसको मत बोला कोई प्रोड, पता नहीं क्या है, ठीक है? बस ये मैपिंग है। इसका यूज कैसे करेंगे कंट्रोल में आपको पता चलेगा, ठीक है? तो अभी के लिए यहाँ से मैं रेस्ट ले रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी कब है सुनिए, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी आपकी, सेम टाइम, ठीक है? मंडे को मिलते हैं।